कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का पूरा डेटा एसबीआई ने चुनाव आयोग को भेज दिया है। मैं कहता हूं कि दिखाने के लिए, हाँ ये डेटा, ये इलेक्शन कमीशन ने जारी किया। कंप्लायंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस टू द एसबीआई कंटेन इज ऑर्डर डेटेड 15 फरवरी 11 मार्च। डाटा ऑन इलेक्ट्रल बॉन्ड हैज बीन सप्लाइड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टूडे मार्च 12। सुप्रीम कोर्ट ने ये तिथि दी थी, तो ये इलेक्शन कमीशन के पास ये डाटा आ गया है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि अब इलेक्शन कमीशन को 15 मार्च को इसे जारी करना होगा आम जनता के लिए। ये जो एसबीआई ने समय बढ़ाने की मांग की थी, उसकी याचिका कल ही खारिज हुई थी। एसबीआई का कहना था कि बहुत सारे डाटा है और हम नहीं दे पाएंगे, हमें समय चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपको जो इतना लंबा समय 25-26 दिन का दिया गया, उसके बीच आपने क्या किया? आपने तो ये जानकारी दी नहीं। और आपका सारा डाटा, क्योंकि आपने जब इसको जारी करना था तो कहा था कि आपके मुंबई के ब्रांच में सारा डाटा है, तो आप क्यों वहां नहीं बना रहे हो? इसलिए 12 मार्च ऑफिस आवर जब समाप्त होता है 5-6 बजे तक आपको ये डाटा देना है। यदि आपने नहीं दिए तो आप पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ना मानने के लिए अब मानना की कार्रवाई की जाएगी। ये साफ साफ एसबीआई को कहा गया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान खंडपीठ ने चुनाव आयोग को भी 15 मार्च को शाम 5 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस डाटा को प्रकाशित करने का निर्देश दिया। 15 मार्च को उसे आम जनता के लिए पब्लिश करना होगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति जे बी पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र, यानी 5 जजों की बड़ी खंडपीठ ने यह निर्णय दिया था। और एसबीआई को नोटिस देकर कहा कि यदि बैंक उनके निर्देश और समय सीमा का पालन करने में विफल रहा तो शीर्ष अदालत 15 फरवरी के फैसले की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई कर सकती है। आपको ज्ञात हो कि 15 फरवरी को संविधान पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया और कहा निर्वाचन आयोग को कि चंदा देने वाले और चंदे के रूप में दी गई राशि और प्राप्तकर्ता, इन सब का डाटा 13 मार्च तक आप जनता तक लाइए। इस पर चुनाव आयोग एसबीआई गया, क्योंकि एसबीआई ही वो बैंक है जो चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत थी। और एसबीआई ने आखिरी जो 6 मार्च तक की तिथि थी, 15 फरवरी से लेकर आप समझिए कई 20-26 दिन की तिथि थी, उसमें आखिरी दिन से एक दिन पहले पहुंची और बोली कि हम नहीं दे सकते, हमको समय चाहिए 30 जून का, यानी चुनाव निकल जाए। और चुनाव में 2/3 करीब 6500 करोड़ रुपए सिर्फ सत्ताधारी भाजपा को आई है। अन्य पार्टियों को भी जो आई है तो वहां आई है जिस स्टेट में उनकी सत्ता है, यानी ये चुनावी बॉन्ड सिर्फ सत्ताधारी पार्टियों को फायदा कराने के लिए लाया गया। और इसके लिए कई लॉ में बदलाव किए गए 2017-18 में, कई लॉ में बदलाव किए गए। इस चुनावी बॉन्ड के जरिए विदेशी धन देश तोड़ने के लिए, देश की राजनीति को प्रभावित करने के लिए, देश की नीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी धन की आवाजाही बढ़ गई। इस पर आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट और इसी ने ये कहा भी था कि एफसीआरए कानून अप्रासंगिक हो गया इसके कारण, यानी जॉर्ज सोरस अपने पैसे से सरकार चला सकता है, यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम चला सकता है, वो अपनी सब्सिडियरी कंपनी के मार्फत, स्वयं डायरेक्ट नहीं, अपनी सब्सिडियरी कंपनी के मार्फत। शी जिनपिंग चाहे तो अपनी अपनी सरकार, अपनी पार्टी यहाँ अपनी पॉलिसीज को चला सकता है, वो आराम से हमारे क्षेत्र पे कब्जा भी कर लेगा 640 वर्ग किलोमीटर पे, और सरकार कुछ नहीं बोलेगी कि कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि शी जिनपिंग के विचारों को यहाँ की उसकी चाइनीज मोबाइल कंपनी जो वहां की सब्सिडरीज है वो यहाँ किसी पार्टी को फंड करके मुंह चुप करवा सकती है। ये पूरा इलेक्ट्रल बॉन्ड का एक बड़ा डिमेरिट सा घोटाला था। दूसरा, टैक्स हेवन देश से काला धन यहाँ भेजकर सफेद किया जा सकता था। और तीसरा, कि जो घाटे में चल रही कंपनी, जो कंपनी अभी बनी मुखौटा कंपनी, नकली कंपनी, उसके जरिए मनी रूट किया जा सकता था। और पांचवी बात, कि किसी भी कॉरपोरेट के लिए नियम में बदलाव करके राजनीतिक चंदा रिश्वत के रूप में लिया जा सकता था, लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन जब जारी किया गया तो सरकार के दावे थे, मोदी सरकार के, कि ये पारदर्शिता के लिए है, इसलिए इसके सारे डाटा आज मुंबई एसबीआई ब्रांच में होगा।
और जब मांगा गया तो कहा नहीं है, तो आज कैसे दिया? इसका मतलब पूरा सरकारी तंत्र केवल झूठ बोलता है और एसबीआई झूठ बोलते हुए खुद ही पकड़ी गई। इस बॉन्ड योजना में न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को तत्काल बंद करने और इस योजना के लिए अधिकृत वित्तीय संस्थान यानी एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विस्तृत ब्यौरा 6 मार्च तक देने को कहा था। तो ये एक्सटेंशन के लिए पहुंच गए थे और कल लात लगी तो आज की आते हुए अपने आप डाटा आ गया। इसमें एक जो बात आई है वो बात ये आई है कि इंडियन एक्सप्रेस ने चुनाव आयोग से बात किया है। चुनाव आयोग के ऑफिसर का नाम ना कोट करते हुए बताया है इंडियन एक्सप्रेस ने कि डिजिटल फॉर्म में ये डाटा दिया गया है, परंतु अभी तक हम ये कह नहीं सकते कि ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें यूनिक बॉन्ड नंबर यानी प्रत्येक जिसने खरीदा और जिसने बेचा, यानी जिसने खरीदा और जिस पार्टी को दिया चंदा, उसके लिए जो यूनिक बॉन्ड नंबर है वो है इस डाटा में या नहीं, ये हम चेक करके बताएंगे। यानी संभावना यह है कि आधी अधूरी डाटा भी हो सकती है।